आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं तेलंगाना स्टार न्यूज। राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी सुलेमान नगर डिवीजन टीआरएस प्रेसिडेंट शेख नईमुद्दीन ने आज डिवीजन ऑफिस में बूथ कमेटी मीटिंग रखी गई, जिसमें डिवीजन बॉडी और बूथ कमेटी मेंबर्स ने मिलकर छेवेल्ला टीआरएस पार्टी एमपी कैंडिडेट रंजीत रेड्डी को भारी मेजॉरिटी से जिताने की शपथ ली। इस दौरान यूथ लीडर सैयद वसीम की जानिब से कांग्रेस पार्टी के यूथ लीडर सरवर मोहसिन अली जाबरी और उनके साथियों ने टीआरएस पार्टी में शेख नईमुद्दीन के हाथों खंडवा पहना। इस प्रोग्राम में डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट समीर खान, डिवीजन महिला प्रेसिडेंट शहजादी बेगम, डिवीजन यूथ लीडर सैयद वसीम, मीडिया सेल प्रेसिडेंट मोहम्मद अल्ताफ, टीआरएस सीनियर लीडर्स मोहम्मद इब्राहिम, सैयद जमील भी मौजूद थे। रिपोर्टर मोहम्मद जमील के साथ मैं मोहम्मद दस्तगीर, तेलंगाना स्टार न्यूज। कांग्रेस के यूथ लीडर है साहब, टीआरएस मैं मरे दम तक गरीबों के साथ ही रहने वाला हूँ। और एक बात भी है, हमारे एमएलए साहब एक ही एक बात बोले, हयूम भाई कल भी बुला के बोले डबल बेडरूम सबसे ज्यादा तुम्हारे डिवीजन में दे, तुम भाई बोले कल ही बोले सबसे। कुछ लोगों ने यहाँ पर फायदा नहीं होने से गली गली भटके भटके बगड़ जाती थी, जाकर वहां पर गिड़गिड़ डाले, नईम भाई कहीं गिड़गिड़ नहीं आता, नईम भाई हो नईम भाई की बाड़ी हो, बगैर बोले कहीं भी जाने की जमात नहीं होती, क्योंकि हम माँ और बाप के खुदा के सामने झुकना है। नईम भाई भी वही झुकता, लेकिन भाई एमएलए एमपी के सामने नहीं झुकने वाला हूँ मैं। ये हकीकत है, हमारे एमएलए साहब से मेरे कोई खिलाफ नहीं है, एमएलए साहब से खाली फिर कुछ लोगों ना बोले नहीं है मेरे से एमएलए साहब से, हमारे आधी रात को भी बोले तो एमएलए साहब के वास्ते जान देने वाला एक ही अफसर है, वो नहीं मैं, वो मेरी टीम है। ये हकीकत है, क्योंकि हम मैं वसीम भाई गए कल बुलाए एमएलए साहब, मेन लीडर पूरे लोगों में मैं दिए तो हमारे को दिए एमएलए साहब बात करने के लिए। कुछ लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे फायदा नहीं हो रहा, कुछ लोग बोले नहीं मैं पंचायत करते 20,000 रुपये लेना, 10,000 रुपये हमारे देना, 10,000 रुपये नहीं भाई खाना, क्यों भाई ये गरीबों के पास पैसे लेना है, ये कौन सा जमात है, ये गलत है। आज तक भी मेरे सीनियर लीडर इब्राहिम हो जमाल हो ये कैसा दिए मैडम हो, कई लोगों के घरों में जाके टक्का आ रहे भाई हमारा साथ दो हमारा साथ दो। मेरे कभी भी बोल रहा हूँ ना कारपेंटर बनना है, ना एमएलए बनना है, ना मिनिस्टर बनना है, अगर मैं कुछ भी अगर बनाना है तो मेरी टीम में बना दो, ये हकीकत है। मेरे बनने की बात नहीं है, मेरी टीम में किसी को भी एक कारपेंटर बना दो, नहीं मेरे को कारपेंटर बनने की बात नहीं है। कुछ लोगों ने गद्दारों ने काली पी नहीं भाई को बदनाम कर रहे हैं, अरे गद्दारों याद रखो कभी भी सच्चाई सामने आने वाली है, हमारा गद्दारी सामने नहीं आने वाली है, ये बात याद रखे चलिए आप लोग। और एक बात, अभी अभी हमारे वसीम भाई बोले मेरे पास हर चीज़ का बोलना, कभी भी मेरे ऑफिस में तकरीबन हर लोग भाई परेशान होते हैं, नहीं भाई पैसे बांट रहे, नहीं भाई ना पैसे बांट दे ना पैसे ले, नहीं भाई को मोहब्बत में आते लोग, नईम भाई के दिल से आते लोग, क्योंकि नईम भाई हर नौजवान बच्चा यही बोलता, अरे क्या नईम भाई कहीं भी रहते तो मैं अकेले आते, नहीं भाई आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोग है तो हम है, लीडर कभी भी लीडर नहीं बनता, ये जो नौजवान है नौजवान से लीडर बनता, लेकिन खाली पी लीडर में खड़ा लीडर हूँ मैं ऊपर खड़ा, ये गलत बात है। जब आप लोग हैं तो एक मैं यहाँ पर, आप लोग नहीं तो मैं नहीं, उस लिए तो आप तैयारी लेते हैं, नहीं मैं अगर पैसा खाना स्टार्ट करा हर इंसान यहाँ से फायदा उठा के गया हमार कोई भी रोके नहीं गा, ये हकीकत शब्द है कि हर चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड है, मैं कितने सीएम यूनिफॉर्म दिला दिया, कितने लोगों को दिला दिया, किसी के पास भी एक रुपया नहीं खा है, और मरे दम तक खाऊंगा भी नहीं, और मेरी टीम को भी ऐसी तैयार करूँ मैं पूरी टीम एक भी नहीं पूरी टीम गरीब का साथ देना। अब मेरे पास जितने भी लीडर हैं कितने भी सामने भी आप लोगों को पूरे लोगों को स्टेज पे प्लेस नहीं है, कुछ भी मत समझना, और यहाँ शहनाज मैडम भी है गरीबों डबल बेडरूम एक ही नहीं है, इंशाल्लाह ताला एमपी इलेक्शन होने के बाद यहाँ पर कोई गरीब है कोई कंपनी डाल के देंगे, सब उनसे हमारे माँ और बहना
घरों में कोई कंपनियां बैठकर काम कर सके। ये भी अगर हम यहाँ पे मीटिंग लगा के हर चीज पे एमपी इलेक्शन होते, मैं मैडम को तो बोला, आप लोगों भी याद है, थोड़ा सबर करना, कभी भी सबर का फल बहुत मीठा होता। ये भागने वाला कहीं भी गिर जाता, सुकून से जाना वाला मंजिल तक पहुंच जाता। वो बात याद रखो आप लोग, आप लोग भी कभी भी वक्त या जैसा कि वसीम भाई बोले, वोट सिर्फ कार को दे। अब कांग्रेस आती पार्टी, नए नए पार्टियां से किसी को मत दो, साथ साथ ही हमारे को सपोर्ट कर, दोनों मिलकर काम करें भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है, साथ साथ अलग नहीं है, बस आप अलग नहीं है, कैसे साहब अलग नहीं, सब मिलकर काम करें। हमारा भी काम, एक भी वोट अगर इधर उधर गया तो फिर हमारे को थोड़ा रुकावट हो। रुकावट होने की वजह क्या है, हमारे फुल मेजॉरिटी अगर हम टीआरएस को दें तो हम लोग अभी आगे लड़के कुछ काम ले सके। काली पीली कोई भी पार्टी नहीं आती है, ना कांग्रेस आता ना कोई भी आता, एक ही एक शख्स है, रंजीत रेड्डी साहब है। रंजीत रेड्डी नहीं, अगर केसीआर साहब और वसीम भाई को भी एमपी टिकट दिया तो अपन काम करने वाले हैं। ये हकीकत बात है, हमारा काम है, कोई भी जो काम करना जरूरी है। हम केसीआर साहब की और प्रकाश गौड़ साहब की बात रखकर, प्रकाश गौड़ के वास्ते, प्रकाश गौड़ साहब ऐसी है ना, ये पार्टी ना वो पार्टी ना ये इंसान ना वो, हर इंसान को देखने वाले एक ही शख्स है, वो हमारे टी प्रकाश गौड़ साहब है। क्योंकि कुछ लोगों ने अभी बोला, मैं कुछ लोगों ने पार्टी वाचमैन की तरह वाचमैन काम कर ले रहे भाई। अरे भाई पब्लिक पे काम करो, देवी जगह देखो। अरे बोलिया मैं यहाँ पे जाके वहां पर एमएलए साहब के पास बैठ रही, नहीं भाई साहब बैठने वाला नहीं होता, नहीं भाई बस्ती में रहेंगे, बस्ती के काम कराते, हमारे लीडर भी वही काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग हमारा सपोर्ट करो, कार को और दो, रंजीत रेड्डी साहब को जिता दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और मीडिया वाले, मैं ये फिर से कहना चाह रहा हूँ कि जो जो भी लोग यहाँ पे भटकाते अपने एरिया में, भला कांग्रेस को वोट दो, कोई अदर पार्टी को वोट दो, ये अपना फैसला है, अपन सोच समझ के फैसला लेना है कौन सी पार्टी को वोट देना है। आप ये सोचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा आपको कि कौन सी पार्टी अच्छा काम करे, वही कैंडिडेट को अगर अपन जिताएंगे तो अपने आने वाले मुस्तकबिल को अपने हाथों से बनाएंगे, ना कि फिर कोई गलत कैंडिडेट को अपना वोट देके अपना वोट जाया करना है। यहाँ के उन्होंने भी नहीं जीतते, इन्हों भी नहीं जीतते, अपना वोट जाया चले जाता। तो सोच समझ के अगर वोट डालेंगे, अपने को करना क्या है, सिर्फ इतना करना है। आज हमारे डिविजन प्रेसिडेंट श्री महमूदीन साहब यहाँ पे मीटिंग रखने का मकसद ये है कि अपने अपने एरियो में जो जो भी अपन बस्ती में रहते हैं, उन्होंने भी इतना बोला कि आप आपके घर के आजू बाजू में अतराफ से खान दस घर आ रहे थे, तो लोगों को सिर्फ ये समझाना कि ऐसा भी बात होती, वोट किसको डाल रहे हैं, लेडीज लेडीज आजू बाजू वालों को पूछ रहे थे आप किसको डाल रहे हैं, मैं किसको डाल रही हूँ वोट, ये बात होती। तो बस इतना बोलना है, जो गवर्नमेंट अपने को अच्छा काम करी, जो पब्लिक को जो गरीबों को मदद करी, वो गवर्नमेंट को अपने को जिताना है। जैसा कि अब लोगों को जब भी समझ जाते हो रहा हूँ केसीआर साहब अच्छा काम कर रहे हैं, केसीआर अच्छा कर रहा ये बोले थे, तो केसीआर साहब क्या अच्छे काम करे, मैं एक तो दो तीन चीज ही बताया, ऐसे बहुत है, मिशन भगीरथा है, मिशन काकतिया है, बहुत से मिशन है ऐसे जो अभी तक सक्सेसफुल हो गए, इंशाल्लाह और भी आगे बहुत बढ़ने वाले हैं। आप लोग अभी देख सकते हैं हैदराबाद में और तेलंगाना में कितने डेवलपमेंट के काम हो रहे, अब तक की कोई पार्टी ऐसा काम नहीं करी जितना हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट टीआरएस गवर्नमेंट करके बताई। और रही बात हमारे डिवीजन की, सुलेमान नगर डिवीजन में तकरीबन से तकरीबन आप लोग देखते कि सुलेमान नगर ए, सुलेमान नगर बी, सुलेमान नगर सी अपने तीन एरिए है जो नामों से डिवाइड किए गए। यहाँ तक के अपने डिवीजन के कॉर्पोरेटर साहब जितने बजट सेंक्शन लाते तकरीबन वही टक्कर पे हमारे डिवीजन प्रेसिडेंट साहब का भी अहम रोल रहता। जैसा कि कोई रोड का मसाइल हो, बोरियों का हो, या कोई करंट का हो, या स्ट्रीट लाइटिंग का हो, या ड्रेनेज लाइन का प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, जैसा कि एक कॉर्पोरेटर साहब काम करते तो आपने को सोचने की जरूरत है टीआरएस के डिवीजन प्रेसिडेंट शेख नईमुद्दीन साहब भी वही काम करते। तो अपन को नजर में ये रखना है कि कौन सी गवर्नमेंट क्या काम कर रही, अपने को कौन सी गवर्नमेंट से क्या फायदा हो रहा है। तो अपन अपने साथ साथ आजू बाजू अपने महल्ले में आजू बाजू वालों को ये मशवरा देना कि जो गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही अपन उसको वोट दें, ना कि ये 500 रुपए दिए तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख नईमुद्दीन सुलेमान नगर डिवीजन टीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट। आज सुलेमान नगर डिवीजन के अंदर हमारे केसीआर साहब, टी प्रकाश गौड़ साहब एमएलए के कामों के हिसाब में तकरीबन से तकरीबन हमारे वसीम भाई के थ्रू यूथ के बच्चे कांग्रेस से तकरीबन एक 70 या 80 बच्चे आज पार्टी ज्वाइन करें।
क्योंकि हमारे केसीआर साहब तकरीबन काम कर रहे हैं हमारे माइनॉरिटीज के लिए, तो आजकल यूथ के बच्चों में, अरे जो इंसान जो काम कर रहे हैं केसीआर साहब और हमारे टी प्रकाश गौर साहब, उनको चाहकर और वसीम भाई को चाहकर यहाँ पे सुलेमान नगर डिवीजन प्रेसिडेंट शेख रहीमुद्दीन के दरमियान पर और पूरे डिवीजन के महिला प्रेसिडेंट और यूथ वाइस अपने वाइस प्रेसिडेंट हमारे समीर भाई के थ्रू पूरे लोग आज पार्टी में ज्वाइनिंग करें। और एक बात भी है, पूरे बाड़ी के जनरल बाड़ी मीटिंग सुलेमान नगर डिवीज़न की आज लगाई गई है, उसमें तकरीबन 150 से 200 लोग मेन लीडर्स बैठकर हम रंजीत रेड्डी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा भारी मेजॉरिटी से तकरीबन यहाँ से सुलेमान नगर डिवीज़न के अंदर से पूरी MIM की मेजॉरिटी और TRS की मेजॉरिटी टोटल मिलाकर पूरे लीडर्स मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा रंजीत रेड्डी साहब को हमारे MLA टी प्रकाश गौर साहब को दरमियान में ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी देकर पूरे लोग हमारे रंजीत रेड्डी साहब को पार्लियामेंट भिजाने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम आगे फिर यही मीटिंग होने वाली, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख चिल्लर वोटों से भारी अक्सर से उन जीतने वाले हैं, ये हमारे मालूम है। इससे पहले भी हम वही बोले थे, टी प्रकाश गौर साहब भी 60,000 से ज़्यादा जीते बोले, हकीकत वही हुआ है, अभी भी यही बोले डॉक्टर रंजीत रेड्डी साहब ने ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी से जीतकर हम यहाँ से ज़्यादा हमारे सुलेमान नगर डिवीज़न ऑफिस से पूरे अपने पूरे डिवीज़न से पूरे यूथ के बाड़िया और यूथ के लीडर्स पूरे मिलकर हमारे रंजीत रेड्डी साहब को ज़्यादा से ज़्यादा मेजॉरिटी देने की कोशिश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।